हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे मिष्ठान फूड्स के बारे में और बात करेंगे कि अलग अलग वेबसाइट्स ने क्या टारगेट दिए हैं मिष्ठान फूड्स के 2025 के लिए, 2025 साल के लिए मिष्ठान फूड्स के लिए अलग अलग टारगेट क्या दिए हैं, आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मिष्ठान फूड्स जो कि लगातार तेजी के मूड में है, कंपनी की ओर से काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स कुछ दिनों पहले भी आए थे और कंपनी अभी मिडल ईस्ट में और अफ्रीकन मार्केट में भी अपना जो है परचम लहरा रही है और वहाँ पे भी अच्छा उनको डिमांड मिल रहा है। सभी बातें पॉजिटिव है, कंपनी फंड रेज भी कर रही है अपने एक्सपांशन प्लान के लिए, इथेनॉल प्लांट के लिए, तो सभी पॉजिटिव खबरें आ रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अभी ओनली 28 के पी पर मिल रहा है और ईपीएस भी 0.50 का है। कंपनी का जून क्वार्टर भी आया था शानदार, 69 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था कंपनी ने। प्रोमोटर ने भी लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआई की होल्डिंग भी बढ़ी है। सभी बातें मिष्ठान फूड्स में पॉजिटिव है और इसीलिए सब लोग यही राह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिष्ठान फूड्स कितना भागेगा। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स ने मिष्ठान फूड्स का फॉर द फाइनेंशियल फॉर द ईयर 2025 क्या टारगेट दिए हैं। ग्लोबल शेयर टारगेट डॉट कॉम इस वेबसाइट ने मिष्ठान फूड्स का टारगेट दिया है 24 रुपीज़ से 25 रुपीज़ के बीच में दिया है टारगेट फॉर द ईयर 2025। cashflow24.com इस वेबसाइट ने टारगेट दिया है बिटवीन 25 रुपीज़ टू 30 रुपीज़, ये काफ़ी बढ़िया टारगेट दिया है। उससे भी बढ़िया टारगेट दिया है वेस्ट और इन्वेस्ट डॉट कॉम इस वेबसाइट ने, जिन्होंने टारगेट दिया है 2025 का मिष्ठान फूड्स का 38 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के बीच में, जो कि धमाकेदार टारगेट है। उसके अलावा फाइनेंस शेयर टारगेट डॉट इन इस वेबसाइट ने टारगेट दिया है बिटवीन 31 रुपीज़ टू 41 रुपीज़, ये भी काफ़ी शानदार टारगेट है। शेयर प्राइस 99.com इस वेबसाइट ने टारगेट दिए हैं 33 रुपीज़ से 39 रुपीज़ के बीच में मिष्ठान फूड्स के, और shareDhan.com इस वेबसाइट ने दिया है टारगेट 30 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन जनरल देखें तो 30 से लेकर 35 रुपीज़ के बीच में के एवरेज टारगेट निकल कर आते हैं मिष्ठान फूड्स के लिए, जो कि फॉर द ईयर 2025 मतलब 2025 साल में मिष्ठान फूड्स का रेट 30 रुपये से लेकर 35 रुपये के बीच में रह सकता है, 30 से लेकर 35 रुपीज़ के बीच में रह सकता है, अगर हम इन सब वेबसाइट्स के टारगेट का एवरेज भी करें तो, जो कि आज के रेट से डबल से भी ज़्यादा का प्राइस ये सब शेयर्स, ये सब कंपनियाँ, ये जो सब वेबसाइट्स है टारगेट दे रही है, जो कि काफ़ी धमाकेदार टारगेट है। तो अगर आने वाले 1.5-2 साल में भी शेयर डबल भी हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इथेनॉल प्लांट जल्द से जल्द शुरू हो जाए, कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़ते रहे, एफआईआई का होल्डिंग बढ़ते रहे, ये सब होते रहा तो 30-35 के अलावा 40 रुपीज़ जो एक वेबसाइट ने दिया है टारगेट, दो वेबसाइट ने दिया है, वेस्ट और इन्वेस्ट और फाइनेंस शेयर टारगेट, इन दोनों ने 40-41 का टारगेट दिया है, वो भी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से टर्न अराउंड स्टोरी और एक पॉजिटिव दमदार स्टोरी मिष्ठान फूड्स का शेयर साबित हो सकता है। तो थोड़े बहुत शेयर्स आप लेकर लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हो, जो कि आने वाले दिनों में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।